खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सह पत्रकार मिलन कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में खरगोन जिले में सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा। इसकी रूपरेखा निश्चित तौर पर लिफ्ट एरिगेशन की तमाम योजनाएं तय करेगी। वर्तमान में जिले में 85% सिंचाई क्षेत्र है, जो आगे भी बढ़ेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने जनसेवा अभियान, लाडली बहना योजना, स्वामित्व योजना, पहचान अभियान आदि के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 10 मई से 31 मई के बीच मध्य प्रदेश शासन के जनसेवा अभियान 2.0 में खरगोन अकेले ने 75,000 जाति प्रमाण पत्र और 12,000 जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 3,00,000 जाति प्रमाण पत्र बने हैं। उन्होंने पत्रकारों से खरगोन जिले के विकास योजना पर भी विचार जाने, साथ ही उन विचार पर आगे कार्य करने पर भी भरोसा दिया, जो आम नागरिकों और जिले के हित में होंगे। कार्यशाला में SDM ओम नारायण सिंह सहित जिला स्तरीय पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन निजी रिसोर्ट में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कि हमारे शरीर में कोई चीज़ 19 होती है तो हम फीवर आता है या कोई बीमारी होती है तो हम लोग अपना इलाज कराते हैं, पर मिट्टी किससे घोलने जाए? तो मिट्टी में कौन सी चीज ज्यादा डालोगे तो फिर मिट्टी बीमार होने वाली है। तो इसमें किसानों से बार बार ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग साइंटिफिक तरीके से खेती करिएगा। साइंटिफिक खेती है कि मतलब उसकी उर्वरक जो उपजाऊपन जो उस मिट्टी का है, यदि हम ज्यादा खाद डालते रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से पंजाब जो हरियाणा में जो स्थिति बनती है वो यहाँ पर भी बन सकती है। अधिक लाभ के चक्कर में ना रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती पर भी जाएं। और कुछ लोग यहाँ पर नवाचार भी कर रहे हैं जिले में, कुछ अच्छे FPO वर्ग के कुछ एडवांस किसान भी हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे किसानों का बीच बीच में हम लोग मिलकर के वो करें और इनकी स्टोरी छापें, सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ये लोग एक बहुत बड़ा माध्यम देती है और ये मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो किसी पेपर में छपता है कि ये किसान बेहतर किया हुआ, तो बहुत ही शानदार उसका मैसेज जिले में जाता है। मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, अभी जैसे 2 दिन पहले हमारे कृषि मेला लगा था, उससे पहले हमारी एक APC की एक मीटिंग की तैयारी हम लोग कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ स्टडी की थी। तो खरगोन जिला इस मामले में काफ़ी लकी कहे हैं, भाग्यशाली कहे हैं कि सिंचाई क्षेत्र के मामले में प्रतिशत के हिसाब से शायद प्रदेश में सबसे अच्छा जिला होगा। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे शायद याद नहीं है, पर हमारे यहाँ का जो बाकी जिलों के जानकारी कह रहा हूँ, बाकी जिलों का डाटा मुझे याद नहीं है, पर खरगोन जिले का 85% एरिया सिंचित हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आज से 20 साल पहले हमने जब पूरा स्टडी किया था तो हमारे जिले में 15-20% एरिया सिंचित था। गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च की, उन स्कीमों को लॉन्च करने के माध्यम से जो सरदार सरोवर इंद्र सागर प्रोजेक्ट के माध्यम से, फिर ढेर सारी स्कीम लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से, उससे जिले का काफ़ी सिनेरियो चेंज हुआ है। व्हाट्सएप से सब कुछ चल रहा हो तो लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि अभी भी हमारा जो मीडिया का जो काम है, ये समाज को एक दिशा देने के लिए और शासन प्रशासन के बीच में जो आम लोगों की जो बातें रखने के लिए अभी भी बहुत सशक्त माध्यम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। समय समय पर मुद्दे आमजन के उछालते रहते हैं, बहुत आवश्यक भी है। मीडिया की वजह से सरकारी कामों में सुधार की हमेशा संभावना बनी रहती है, काफ़ी चीज़ें मीडिया के माध्यम से मिलती रहती हैं। यद्यपि आजकल चूँकि सोशल मीडिया बहुत फास्ट कम्युनिकेशन वाला हो गया है, तो सीधा व्हाट्सएप करते हैं, तो वो भी एक तरह से दूसरे जो लोग हैं जो मीडिया से हटके हैं, जो हमको जानकारी देते रहते हैं, उसका भी एक अलग महत्व है। आज शासन की भी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था ये रहती है कि अधिकारी प्रोएक्ट होकर के किस तरह से लोगों की समस्याओं को हल करें, तो अनेक चीज़ें हम लोग करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे ढेर सारे जो मीडिया के साथी हैं, समय समय पर हमसे मिलते भी रहते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे बात जानकारी में लाते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से हालांकि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, पर चार महीने से ज़्यादा मुझे जो हुए हैं उसमें देखा हुआ है कि यहाँ पर मीडिया काफ़ी एक्टिव भी है, सुलझा भी है, मुद्दे भी उछालता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये इस तरह की परंपरा बनी रहे। मीडिया का काम हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से उठाने का,
का सशक्त माध्यम रहता है। यद्यपि मैं आप लोगों से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि बहुत जो गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो एक तरह से समाज के तरफ बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे भी समय समय पर आप लोग हमारे सामने ला सकते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल काम होते हैं, लोगों की इंडिविजुअल बातें होती हैं, वो तो आप हमेशा करते ही हो, पर क्या और किया जा सकता है जिले के परिप्रेक्ष्य में और बेहतर क्या हो सकता है। ये सीनियर हमारे मीडिया के बंधु जो बस में जुड़े हुए हैं उनको बहुत यहाँ पर नॉलेज रहती है, इतने अधिकारी जो आते हैं उनको उतना जानकारी यहाँ पर नहीं रहती है। फिर भी जो देखा गया है खरगोन जिले में काफी चीजें बेहतरीन तरीके से यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।